मेरे जैसा नेता होना चाहिए, मैं भी उम्मीदवार हूँ। आपको देख के दीदी हम भी आ गए। राशन जिसका है उसको न दिया, जिसको नहीं है तो वो भूख मरा ना। तब बताइए बाबा, चुनाव का जो समय है नेता कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किसका वोट देंगे ये बताओ। प्रणाम सबको, फिर से आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। आप सबकी भौजी सोनम भौजी एक बार फिर से मैं अभी यहाँ पे हूँ नाथ नगर विधानसभा क्षेत्र के सबौर प्रखंड में। तो यहाँ पे जनता की क्या राय है वो तो जनता ही बताएगी। यहाँ पे अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि इबेर के जीतेगा। वोटर को तो छोड़िए, नेतवन सब भी कंफ्यूज है। तो आइए चलिए जानते हैं यहाँ की जनता की मन की बात। आइए हमारे साथ। तब अंकल, इस बार सत्ता में कौन आ रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं मैडम, जो भी आए अच्छा काम करे, स्वास्थ्य विभाग में सारे लोग सही रहे। अब हमारे नोडल सर जो यहाँ डॉक्टर श्याम सर हैं, उनसे पूछिए, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं। कैसा नेता होना चाहिए? नेता बढ़िया होना चाहिए, जो रोड की समस्या देख रहे हैं, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होता रहता है। हम लोग को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 6 महीने में हम लोग काम में परेशान हैं, एंटीजन लक्ष्य पूरा करना, PCR पूरा करना। अभी भी आप देख रहे हैं संडे का दिन है, हमारे लैब टेक्नीशियन वहाँ, हम लोग सब मिल करके लगे हुए हैं यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएं। जो भी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत का, उसको हम लोग कामयाब बना रहे हैं। जी जी जी, चलिए आइए इनसे पूछते हैं। आप बताइए अंकल, आप क्या बोल रहे थे अभी, आप बताइए कि क्या चाहते हैं, नेता कैसा होना चाहिए? हम यहाँ पे नेता का कोई सवाल अभी नहीं, नहीं हम लोग नेता क्या जांच क्या कर, COVID-19 का जांच कर रहे हैं। COVID-19 का मतलब क्या चल रहा है अभी यहाँ पे, कैसा सब व्यवस्था, सब कैसा है? ठीक ठाक है। आप बताइए आपको क्या लगता है, जो चुनाव का समय है कैसा नेता होना चाहिए? चुनाव COVID-19 हम लोग चुनाव से पहले लगभग पूरा होल एरिया कवर कर रहे हैं, सारे का टेस्टिंग हो रहा है, कोई भी छूट नहीं रहा है। सब और एरिया में पॉजिटिव रेट जरा भी हो रहा है उसको कहते हैं कोविड सेंटर पर रखा जा रहा है या फिर होम आइसोलेशन, लेकिन सारा टेस्टिंग रेट जो सबोर का लगभग पूरा कवर कर रहा है, कोई भी पेशेंट छूट नहीं रहा है। कैसे हैं दीदी जी? ठीक है। ये सब जो व्यवस्था यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब प्रक्रिया मतलब कब से चालू है? चालू है जब से लॉकडाउन चालू है, तब से चालू है। तो ये चालू है, लगातार आप लोग इस पे वर्क कर रहे हैं? लगातार इसमें वर्क कर रहे हैं। तो चुनाव का भी समय नजदीक है और सब कुछ घोषणा भी हो चुकी है, तो क्या लगता है कैसा नेता होना चाहिए? नेता जो विकासशील होगा वही चाहिए ना, जो विकास करे हम लोग के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, सब कुछ करे, सबका मैनेज ध्यान रखे। कैसे है चाची? ठीक है। ठीक है, आप ये बताइए, चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का माहौल है, तो कैसा नेता होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो कि समाज को, परिवार को, गांव को, घर को चला सके, महंगाई थोड़ा कम हो, और कैसा होना चाहिए नेता? महंगाई कहाँ ज्यादा है? महंगाई आपको नहीं है, हम लोग तो लग रहा है पूरा बीच में हम लोग हैं, हम लोग पिसा रहे हैं एकदम। हम लोग भी पिसा रहे हैं, तो इसे मजाक कर रहे थे। हाँ। और सब बताइए कि कुछ बदलाव होना चाहिए? तब बदलाव, पूरा बदलाव होना चाहिए। नेता कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए यार, बढ़िया होना चाहिए। आइए इनसे पूछते हैं, कि दोनों भैया से पूछते हैं। आप बताइए भैया, अभी चाची ने जो कहा सुना आप लोगों ने, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जी बदलाव जो जरूरी है, जैसे अगर नाथ नगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि प्रत्याशी जो हैं मेरे लक्ष्मीकांत बाबू जी, उनका उम्र भी तो हो गया, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार देखे भी नहीं, उम्र के चलते उन्होंने उन्हीं का टिकट दिया, वो जब अपने अस्वस्थ चल रहे हैं, 80 पार होने वाले हैं, इसलिए तो यहाँ बदलाव होगा जरूर। चलिए तो हम आ गए हैं सबौर चौक पे और जानते हैं यहाँ जनता के मन में क्या है। आइए हमारे साथ, कहाँ कहीं जा रहे हैं क्या अंकल? हाँ सबौर। अच्छा सबौर जा रहे हैं, इधर सबौरन है? हाँ घर मेरा सबौर। हमको लगा कहीं और है। अच्छा ये बताइए कि चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का माहौल है, कैसा नेता होना चाहिए? कैसा होना चाहिए, ये तो सबको सोच दिया मोदी सरकार, सब तो गरीब आदमी मर रहा भूख से, लॉकडाउन इतना लगा भीतर चला गया गरीब, इतना कुछ तो दिया, कौन चीज दिया, कुछ नहीं है। राशन जिसको है उसको ना दिया, जिसको नहीं है तो वो भूख मरा ना। हाँ अभी ट्रेन बंद है, क्या खा रहा पब्लिक? हाँ कौन ट्रेन चालू हो गया, एगो ट्रेन में आदमी मर रहा है, रोज चाटो गिरता है ट्रेन पर से, भीड़ मर रहा है भीड़ में, क्या करेगा, क्या कर रहा है? बदलाव भगाना चाहिए मोदी सरकार को, चूल्हे में देना चाहिए। आप लोग बताइए चाची, चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए? कैसा तो मोदी ऐसा होना चाहिए, दुकाने आदमी में थी और लचे, तो गाड़ी ने चले जे एक टा ट्रेन देती है तबा नहीं आ रहो पर्सनली है वो ट्रेन देती हो ना नरी लोग की नरी लोग सब बेग जाल देती जा आजकल हमरे से निकाल देती हम मोदी जिसका ही देवे तो रहे को ट्रेन दिला देते हो।
आइए हमारे साथ आगे, तब बताइए बाबा चुनाव का जो समय है नेता कैसा होना चाहिए। हाँ, कैसे होना चाहिए, किसका वोट देंगे ये बताओ पहले। अब आप ही जानिएगा, आप कैसे जानेंगे, तुम जैसे बोल रहा है जैसे बोलिए जैसे उसके वोट देंगे बताइए। हम काहे बताएंगे, आपका वोट है, आपको वोट मायने किसी को न देंगे जैसे बताओ। आपका मनना है तो हम क्या बोले, जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप बताइए चाची कैसे, भूख मरेगा गरीब तो कहाँ जाएगा खाए ना, सरकार ने की देगा या तो राशन उशन तो देवे किया बोला, ढेरी राशन फ्री में बांट रहा है। कुछ नहीं, 2-5 किलो दाल या तो वहाँ 1 किलो दाल दिया, 1 किलो चना दिया, तो उससे क्या होगा, 5 को जरा परिवार रहा तो क्या होगा, उससे कुछ होगा। जो सब चीज में सहूलियत दे सहन्यता होना चाहिए, जो सब चीज से करते है धरते ओकरे वोट मिलता है, आ जे देवे नहीं करते कुछ ओकरा वोट दे की करते है, जे नहीं कुछ देते ओकरा वोट नहीं देबो। कथिल अभी जे सरकार छे ओ सब चीज दे रहलो छे ना, तब सरकार ने सबको दे देले, हमरा नहीं अति लैटरिंग रूम में जा इन चाची के लिए जो शौचालय ये ना है। चलिए आइए आगे चलते हैं, यहाँ पूछते हैं चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए, आपको क्या लगता है। हमको लगता है इस बार तेजस्वी का सरकार बनने जा रहा है। नहीं नहीं बोल रहे हैं, 15 साल बैक जाइए, 15 साल बैक का रोड का स्थिति में अभी नीतीश कुमार का कुछ भी रोड नहीं है। 45 मिनट में कहलगांव से हम लोग भागलपुर पहुंचे थे ऑटो लेकर के, और अभी 3 घंटों में पहुंचेंगे 4 घंटों में, इसका भी गारंटी नहीं है। ये हमारे नीतीश बाबू हैं, कोरोना काल में सबसे पहले तो वोट नहीं कराना चाहिए। क्या चाची आपको इंदिरा आवास मिला कि नहीं मिला? नहीं, हम लोग को पैसा मिला इंदिरा आवास जो नहीं मिला, जल्दी जल्दी जाके देखिए ना, झोपड़ी बना के जो दूसरा गरम गोतनी गरम गोतनी गरम गरीब आस कुछ नहीं मिले। क्या चीज दिया है सुविधा, एगो सुविधा दिया है वो। हाँ, क्या खाने के लिए सुविधा दिया है, 4 महीनों जो लॉकडाउन होले 4 महीने पैसा कितना आदमी लॉस होले, आपके सुरक्षा के लिए ना करवाया गया सुरक्षा, यहाँ आदमी भूखो मरता है सुरक्षा और लो छी। चलिए चाची बहुत जो है गुस्से में लग रही है, आइए आगे चलते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। चुनाव का समय है तो जो चारों तरफ चुनाव का शोर है, कैसा नेता होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है दीदी कि हर एक 5 साल में जो हो ना नेता का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम रोटी को तावे पे रखते हैं और वो नहीं पलटते तो वो जल जाता है, उसी तरह हमारी बिहार की सत्ता है, जब तक इसको नहीं बदलेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। जैसे कि लालू जी 15 साल राज किए वो भी कुछ नहीं किए, नीतीश जी 15 साल राज किए वो भी कुछ नहीं किए, युवाओं के लिए कुछ नहीं किए, यानी बेरोजगारी की समस्या जो है वो चरम सीमा पर है, इसलिए हमें सरकार को बदलना होगा, इसलिए हमारा विकास होगा और हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी बहुत खेतों में काम करके बच्चे को पढ़ा के अपना भरण पोषण कर रहे हैं, मतलब कि जो भी ग्रेजुएट है ITI किए BA टेक किए हुए पॉलिटेक्निक किए हुए वो आज ग्रुप डी का फार्म भर रहा है, जिससे कि यहाँ की बिहार में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पर आत्महत्या और खुदकुशी करने जा रहे हैं। जैसे कि लड़का लोग का बिहार का पुलिस का रिजल्ट नहीं बनता है, उसमें लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हमारे एक नई सरकार को चुनना हम लोग का परम कर्तव्य है। चलिए बदलाव जरूरी है, भैया ने कहा कि बदलाव होना जरूरी है, आप बताइए चाची कैसा नेता होना चाहिए? नेता होना चाहिए बढ़िया, ये क्या जहाँ बस गाड़ी ट्रेन कुछ नहीं है, पब्लिक गिरती है मरती है रोज, ऐसा नेता रखने से क्या फायदा, जो कि गरीब को नहीं देख सकता, गरीब प्लेटफार्म पे सोता, भरपेट खाना नहीं मिलता। तो इस बार तो लॉकडाउन में सरकार फिर भी बहुत सुविधा दिया, राशन क्या बहुत सुविधा देगा, जैसे कि इतना इतना बच्चे का साइकिल रोका, पैसा रोका, और 500 रुपया से क्या होने वाला है, 5 किलो चावल दिया उससे क्या होने वाला है बोलिए, जबकि रोजगार नहीं है, सबका बच्चा मर रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, उसका माँ बाप भूख मर रहा है, तो बच्चा को कहाँ से क्या कर सकेगा बोलिए, इसलिए तो सरकार तो बदलना ही होगा, मतलब सरकार बदलना होगा। हाँ, लिए बदल के रही एकदम। चलिए चाची भी जो बदलाव चाहती है, आइए इनसे पूछते हैं, आप बताइए कि चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए, चाची जो बोली आप कितना सहमत हैं इनके बात से? इनके बात से सहमत हैं, जो भी बोल रही हैं अच्छा ही बोल रही हैं, क्योंकि बेरोजगारी अभी काफ़ी है, और एक तो कोरोना के लेकर के ट्रेन सारी सुविधा पब्लिक के लिए बंद है, परेशानी में है हम लोग, प्रशासन पब्लिक सब सरकार सब जान ही रहा है कि लोकल गाड़ी चल रहा है, टेम्पो चल रहा है, बसें चल रहा हैं, मैंने कोरोना के लेकर के किसी प्रकार का उसमें जो है सुरक्षित नहीं है आदमी, क्या इस बात को मालूम आगे अफसर बड़े बड़े अफसर को मालूम नहीं है कि बस में काफ़ी भीड़ चल रहा है, टेम्पो में काफ़ी भीड़ चल रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रहा, अब भाड़ा भी मनमानी ले रहा। चलिए इनसे पूछते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बात पे?
क्या चीज़ हम कुछ समझे नहीं यार। मतलब जो है कि चुनाव का समय है, जो हाँ। भी सिचुएशन चल रहा है उस चीज़ को आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया ने भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रहा और बहुत परेशानी हुई लॉकडाउन में, आप कितना सहमत हैं इनके बात से? हम इनके बात से 90% सहमत हैं। 10%? 10% है कि परेशानी तो मनुष्य के जीवन में आते ही रहता है, उतार चढ़ाव होते ही रहती है। तो कैसा नेता होना चाहिए इस बार चुनाव में? कुछ बदलाव होना चाहिए या जैसे चल रहा है वैसे ही? हर एक 5 साल पे सरकार चेंज होना चाहिए, इससे होता है कि मनमानी नहीं करती है सरकार। एक सरकार अगर गद्दी पे बैठ के रहेगी तो जो मन करेगा वही करेगी। और यहाँ जहाँ तक बात है कि कोई भी चाहे केंद्र में हो या स्टेट में हो, हर एक 5 साल पर चेंज होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से वहाँ तक मनमानी ही हो रहा है। रोड नाम का चीज़ ही नहीं है। आइए पहुँच गए हैं सबौर के हटिया में, मार्केट है और यहाँ पे बहुत भीड़ है। आइए जानते हैं यहाँ जनता के मन में क्या है, हमारे साथ आइए। कैसे हैं चाचा जी? ठीक है। हाँ तो ये बताइए कि जो चुनाव का समय चल रहा है, चारों तरफ चुनाव का मतलब शोर है, कैसा नेता होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो विकास करे क्षेत्र का अपना। सब नेता के बोल के जाते हैं लेकिन फिर आते नहीं है, विकास का तो कोई बात ही नहीं होता है। तो इस बार कुछ होना चाहिए, कुछ हाँ, नया होना चाहिए, विकासशील नेता चाहिए। विकासशील नेता चाहिए, तब चाची बताबो कैसनो नेता हो एक चाहिए। कोई नेता कोई काम नहीं दे छा माने बोलबो काहे वोट देबो तब ना काम देता। तो बताबो चाची काहे नहीं दे छे वोट? वोट तो देबे करे छे ना, हमरा सनी राशन मिले छे ना, कुछो मिले छे ना, राशन तेल मिले छे, कुछो नहीं मिले छे हमरा सनी के, वोटो दे छे कहां कुछो मिले छे। प्रियो बार तो जे की कहे छे कि राशन फ्री में ढेरी दे बनाम तो नेता सनी भुत्तर वहां मरलो पछरलो गेलो वहां तइयो राशन कार्ड बनी के नहीं जा। चाची को राशन नहीं मिला पर नमस्ते अंकल, कहीं जा रहे क्या जल्दी में है? ये बताइए कि चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का माहौल है, कैसा नेता होना चाहिए? नेता तो किसी काम का नहीं है, कोई भी पार्टी का हो, कोई वर्क करता नहीं। आप पूरा भागलपुर घूम रहे हैं ना, देख रहे हैं ना रोड का क्या पोजीशन है। एक बिजली के अलावा आप बता दिए कोई भी अच्छा काम, बिजली सही है। फिर भी मतलब बहुत सारी सुविधाएं दी है सरकार ने लॉकडाउन में, आपको क्या लगता है? लॉकडाउन में क्या सुविधा मिला सरकार से? गरीब तो ऐसे ही परेशान है, कोई सुविधा तो मिला नहीं। अकाउंट में 1000-1000 रुपया दे दिया, बहुत हो गया। तो कुछ होना चाहिए नया, महंगाई कंट्रोल कीजिए, बेरोजगारी का समस्या खत्म हो। हमारे लोकल नेता जो भी चुने जाए वो भागलपुर के विकास के बारे में सोचें, और क्या चाहिए हम लोग को? मतलब जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाए वो विकास के बारे में सोचें। और चलिए आगे पूछते हैं, कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं कहीं नहीं। ये बताइए कि चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए? यहाँ राजद का नेता होना चाहिए। राजद का नेता होना चाहिए, नीतीश कुमार में कोई दिक्कत क्या? उससे आदमी बहुत खपा है। काहे खपा? उसका काम अच्छा नहीं लगता, युवा सरकार चाहिए। उनका काम अच्छा नहीं लगता है, युवा सरकार चाहिए। आइए चलिए हमारे साथ और पूछते हैं। चाचा आप ही बताइए चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए? जिसमें कि चल सके और क्या चल सके। आप बताइए चाची कैसा नेता होना चाहिए? जानवर करते हैं। आप बताइए जो कि चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का शोर है, कैसा नेता होना चाहिए? मेरे जैसा नेता होना चाहिए, मैं भी उम्मीदवार हूँ। आपको देख के दीदी हम भी आ गए, तो मैं भी इंटरव्यू देने के लिए चाह रहे थे लेकिन मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं। क्यों, किस कारण से? पता नहीं, सब मीडिया वाले निकल चुके थे। जब मैं नॉमिनेशन दिया तो कोई मेरा इंटरव्यू नहीं लिया कि मैं क्यों खड़ा हुए हैं और किसके लिए हुआ हूं। तो मैं भी अपना व्यक्त करना चाहता था लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया। आपको मतलब आपका आप खड़ा हुए हैं तो आपके मन में कुछ तो हुआ होगा? जी, मेरा सोच था कि जो भी यहाँ पे जो हमारे गाँव में जो हो रहे हैं, इंदिरा आवास में घुसखोरी, शौचालय में चोरी, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब सबौर की ओर हैं, जहां महिला सृजन घोटाला। तो जीतने के बाद क्या काम मतलब क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं करूंगा स्कूल को मैं ठीक करूंगा, और उसके बाद जो है ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड पहला रहेगा मेरा, और दूसरा ये जो गरीब गुरबा जो देख रहे हैं इनके लिए मैं तत्पर रहूंगा, ताकि इन लोग को शौचालय, और अभी भी लॉकडाउन चल रहे हैं, अभी भी बहुत गरीब आदमी को अनाज नहीं मिल रहे हैं, मैं उनके लिए तात्पर्य हूँ। कहा जाता है कि जो भी मतलब उम्मीदवार मतलब चुनाव जीतने के बाद सब अपना रंग बदल लेते हैं, वह वादा खिलाफ हो जाते हैं, तो इस बात पे आपका क्या कहना है?
मैं नहीं हूँगा क्योंकि मैं इसमें आज से नहीं, मैं ये गरीब आदमी इसी बीच में अभी भी मैं हूँ। मैं सबका परेशानी बूझ रहा हूँ। जो बोल रहा है कि बदल जाता है उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं बदलूँगा नहीं, मैं तात्पर्य रहूँगा। सब तो यही कहते हैं कि मैं नहीं बदलूँगा, तो कैसे जनता कैसे भरोसा करेगी? तो वो भरोसा जनता को करना पड़ेगा, जनता को खुद भरोसा होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। इतने दिन से अगर हम कहीं कुछ ले रहे हैं या दे रहे हैं तो छवि अपने आप नज़र में है, सबका नज़र अपने आप के, सब गरीब आदमी के, सबके नज़र में है कि कौन क्या है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए चलिए जानते हैं तो आपका क्या कहना है कि चुनाव का जो समय है, इन्होंने भी जो कहा और अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है उससे कितना सहमत हैं आप? सहमत तो हैं, नीतीश सरकार जो है बुजुर्ग सरकार है, उन्होंने इतना दिन सत्ता संभाले और बिहार को हर क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे बिजली समस्या है, जैसे रोडवेज है, उन्होंने भरपूर अपनी मेहनत करके जो है बिहार को जो है विकास के रास्ते में प्रगति के पथ पर अग्रसर उन्होंने किया है। हम लोग तो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा जान रहे हैं कि पुनः उनकी सरकार हो, ताकि हर स्टेट में मोदी जी ने पूरे देश में हर जगह आधी आबादी का तो ये कहना है कि रोड खराब है, कुछ विकास नहीं दिख रहा। आप कैसे कह रहे हैं कि विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, सीमांचल एरिया में विकास हो रहा है, वनांचल में एरिया में विकास हो रहा है, नल का जल हर जगह उपलब्ध है। जैसे बाढ़ की समस्या कुछ लेकर जो है कुछ जो है आपको मद्यपान निषेध विभाग जो है मद्यपान निषेध लेकर के बिहार में जो है नीतीश सरकार को कुछ लोग जो है नम्र दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने हाँ ये तो है, मैं इसका हम खुलेआम विरोध करता हूँ कि जो आप बोले नल जल मेरे गांव में आ जाइए, मैं भी उसका भी स्थिति दिखाता हूँ। और हमारे नीतीश जी जो बोल रहे हैं कि 1,10,00,000 महिलाओं को जोड़े हैं, तो उस महिला में जीविका दीदी जितने हैं उससे ही शौचालय का चोरी कर लिया, उससे ही इंदिरा आवास का घूस ले रहा है, मैं उसका खुलेआम विरोध करता हूँ। दारू भी मिल ही रहा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं हो सकता हूँ तो लाइव पे ऐसे भी आके मैं भी उसको दिखा दूंगा कि यहाँ पे दारू मिल रहा है पी के, इस तरह से हो रही है, यहाँ पे एकदम खुलेआम हो रही है। तो प्रशासन उसकी कहाँ है? मैं भी उनका सम्मान करता हूँ और उसके साथ भी हूँ, लेकिन मैं उसका नज़रिया जो उसके नीचे का जितने भी आदमी हैं वो सब दलाल मिले हुए हैं, साफ सुथरा इसमें बात है। यूँ कि यही मेरा सबौर प्रखंड है जहाँ महिला सृजन घोटाला हुई है, उस प्रखंड के अंतर्गत हम लोग आते हैं, बगल में रजंदीपुर या सबौर भी है, आपको नाली भी आपको यहाँ भी हम दिखा सकते हैं कि आज बनता है 2 दिन के बाद टूट जाते हैं। चलिए आज की गपशप यहीं ख़त्म करते हैं, अब सोनम भौजी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए जगह पे नए लोगों के साथ नए बातचीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।